body. This is Meena. Welcome to Meena and Adhika Vlogs. मैं हूँ मुना आपके साथ और ये है इनाया. तो हम आए हुए थे ब्राइट के घर. हमने रात में स्टे किया, बहुत ज्यादा मजा किया, रज जगह किया और खूब ब्राइट की खिलाई पिलाई की. और आज है भाई बहुत ज्यादा बादल हुए हैं. मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो दो दिन से बारिश चल रही है बहुत ज्यादा. तो इससे पता लगता है कि दुल्हन ने कितना ज्यादा पतीलियों में खाना खाया है. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. और अब हम जाने लगे अपने घर क्योंकि अभी बहुत सारे काम है. मेहंदी हम लोगों की लग चुकी है ना. अपनी मेहंदी दिखाओ, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मेहंदी लगी है. तो मैंने कहा चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मुझे वहाँ पे बुलाया जा रहा है तो चलें. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ठीक है तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. ये है जिमल की मेहंदी, तो क्यूट से हाथ क्यूट सी मेहंदी बेटा, बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह. चलो जी स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ. ये देखिए मौसम देखें, बादल देखें. तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि हमें घर जाना है, वहाँ से फिर हमें सैलून के लिए निकलना है. और बारिश की प्रेडिक्शन है, लेट्स सी कि हम सेफ्टी के साथ पहुँच जाते हैं, क्या होता है और कितना लेट होता है. जी गाइस ये देख रहे हैं आप कितना पानी जमा है बारिश की वजह से. और अब हम पहुँच चुके हैं अपने सैलून में. जी तो सैलून हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन 4:15 बजे और हमें रेडी होने का टाइम 8:15 बजे दिया था. जो कि मुझे समझ नहीं आता 4 घंटे में हमें क्या बनाने वाले हैं. और सैलून में एकदम मछली बाजार बना हुआ था. इन्होंने प्रमोशन देके तो आवाम तो जमा कर ली लेकिन ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे. जी तो बात कर लेते हैं इनकी सर्विसेज की. सर्विसेज इनकी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई और जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका एक ही तरीके का मेकअप था. और इन्होंने मेरे हेयरडो के साथ भी यही किया जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सा बना दिया था, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी. जबकि बनवाने से पहले मैंने कहा था मुझे आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे आर्टिफिशियल लुक दिया. और स्टाफ का बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था और हमें यहाँ से निकलते निकलते 8:30 हो गए थे जिसकी वजह से हम बारात में बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे. सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे. आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर. जी गाइस तो हमें ज्वाइन कर लिया है अधिका ने. हेलो अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा आपका ड्रेस है. थैंक यू. कितने का है अधिका, पैसे बताना पसंद करोगी? मुझे खुद नहीं पता कितने का. इस ड्रेस का भी एक राज है जो कि हम बताएंगे, बता देंगे बाद में. और आपका ड्रेस भी बहुत 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 प्यारा लगा. और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं लेकिन वो अभी बाहर गए हैं. और मेरे मेरे नेल्स एक निकल गया, बहुत मुश्किल से लगाया मैंने. बहुत प्यारा. मैंने सुना आपके बालों के साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी. हाँ वो ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि मेरे जो बाल है ना उन्होंने अजीब से चिपके हुए बना दिए थे. इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई. मैंने घर आती सबसे पहले अधिका को कॉल की कि यार कि मैं अधिका मुझे बताओ मैं ऐसे बाल क्या करूँ अपने बालों का. अच्छे लग रहे हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं. सही बात. अब बस मैं जा रही हूँ, मुझे अपना सोलो फोटोशूट करवाना है जो कि अभी तक नहीं हुआ. मैंने दुल्हन को वार्निंग दे दी है मैं वलीमा अटेंड नहीं करूँगी अगर मेरा सोलो ही हुआ.
हाँ तो बस मैं फोटो शूट कराती हूँ फिर देखते हैं। और दीमर यहाँ पे खाना खा रही है, दीमर भूखी हो रही है, दीमर इज वेरी हंग्री। कैसा बना है खाना, कैसा बना है? बीफ बिरयानी है, आओ भी खा लो। हाँ क्या बुरा है हमारे ननिहाल का फोटो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा, मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। चलो रे डोरी उठाओ, जो भी है मुझे याद नहीं है, लेकिन हो गई है दुल्हन की रुख्सती। और इसी के साथ हम अपने बारात के ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बारात के ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।